हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज लेकर आया हूँ फिजिक्स का इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि ये दूसरी है, पार्ट टू वीडियोस है। आप अगर पार्ट वन की वीडियोस देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है, वहाँ से जाकर आप पार्ट वन की वीडियोज़ देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट टू की वीडियोज ऑब्जेक्टिव। बहुत बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, चलिए स्टार्ट करते हैं। सवाल है, एक विद्युतीय द्विध्रुव दो विपरीत आवेश से बना है जिनका परिमाण +3.2 × 10⁻¹⁹ कूलम एवं −3.2 × 10⁻¹⁹ कूलम है। उनके बीच की दूरी दी हुई है, तो हमें बोल रहा है कि विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण निकालें। तो दोस्त, द्विध्रुव आघूर्ण का मतलब होता है Q1 Q2 / R2। ये फार्मूला से आप सॉल्व करेंगे तो राइट आंसर आपको मिलेगा 7.68 × 10⁻²⁹ कूलम मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 64 समरूप बूंदें जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफराड है एक बड़ा बूंद मिलाकर बनाया गया है, तो बड़े बूंद की धारिता कितनी है? इसका राइट आंसर होगा 20 माइक्रोफराड, यानी कि 20 माइक्रोफराड इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? तो किलोवाट घंटा ऊर्जा का ऐसे मात्रक है। विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? तो सभी किसी परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धारा का बीजगणितीय योग वो शून्य होता है। चुंबकशीलता की विमा क्या है? तो चुंबकशीलता की जो विमा होती है वो होती है MLT-2। इसका राइट आंसर होगा MLT-2 I-2। नेक्स्ट है, LR परिपथ की प्रतिबाधा कितनी होती है? तो LR परिपथ की प्रतिबाधा जो होती है वो √R² + ω² L² के बराबर होती है। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, इसका हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा क्या होती है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है वो B क्रॉस A की पैरेलल समांतर। नेक्स्ट है, जब प्रकाश की एक किरण ग्लास स्लैब से प्रवेश करती है तो इसका तरंग दैर्ध्य क्या होता है? तो जब बोल सकते हैं कि प्रकाश की एक किरण ग्लास स्लैब से प्रवेश करती है तो इसका तरंग दैर्ध्य का वैल्यू जो घट जाता है, पहले के अपेक्षा बिल्कुल घट जाता है। नेक्स्ट है, आयाम मोडुलन का सूचकांक हमेशा 0 से 1 के बीच क्यों होता है? तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर गेट के लिए बुलियन व्यंजक क्या होगा? तो नॉर गेट के लिए बुलियन व्यंजक जो होगा A+B² = Y। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आवेशित चालक के सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? तो किसी भी आवेशित चालक के सतह के किसी बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो सतह के परपेंडिकुलर होगी, सतह के लंबवत होती है। नेक्स्ट है, मुक्त आकाश का परावैद्युतांक कितना होता है? तो मुक्त आकाश का परावैद्युतांक होता है 8.85 × 10⁻¹² F/m। नेक्स्ट है, विद्युत धारा की शक्ति क्या होती है, यानी कि फार्मूला इसका कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, V² / R। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा क्या मापा जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा ऊर्जा मापा जाता है। लेंज के नियम किससे संबंध रखता है? तो लेंज के नियम ऊर्जा से संबंध है, ऊर्जा से रिलेशन बनाता है। नेक्स्ट है, खगोलीय दूरदर्शी के अंतिम प्रतिबिंब का नेचर क्या होता है? माने अंतिम प्रतिबिंब जो खगोलीय दूरदर्शक में बनता है उसका प्रकृति कैसा होता है? तो काल्पनिक एवं उल्टा। यदि समान फोकस दूरी, यानी कि एफ अगर किसी का फोकस दूरी दिया रहेगा अभिसारी लेंस का और दोनों अगर संपर्क में रखे जाते हैं तब संयोग, यानी कि दोनों अगर एक साथ रखा जाए तो दोनों को जुड़कर फोकस दूरी क्या होगी? तो दोनों को मिलाने पर फोकस दूरी जो होगी वो आधी हो जाती है, मतलब F/2। इसका करेक्ट आंसर सी है। नेक्स्ट है, प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति पुष्टि करता है, किसको पुष्टि करता है? जी हाँ, वो व्यतिकरण को दिखाता है। प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग व्यतिकरण को दिखाता है। एक पतले प्रिज्म के रंग का क्या कारण है? एक पतले प्रिज्म के रंग का भी कारण व्यतिकरण ही है। यदि प्रतिवर्ती धारा तथा विद्युत वाहक बल के बीच फाई कोण का कलांतर हो, यानी कलांतर फाई हो, तो शक्ति का गुणांक क्या होगा? तो जी हाँ, शक्ति का गुणांक कोस फाई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। स्वप्रेरकत्व का मात्रक क्या है? स्वप्रेरकत्व का ऐसे मात्रक जो होगा वो हेनरी होता है। नेक्स्ट है, डायनेमो के कार्य सिद्धांत, यानी कि डायनेमो जो है किस सिद्धांत पर काम करती है? तो जी हाँ, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
एक प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का समीकरण दिया हुआ है I इज इक्वल टू 0.6 साइन 100 पाई टी से निरूपित है, तो विद्युत धारा की आवृत्ति निकालना है, तो विद्युत धारा की आवृत्ति हो जाएगी ओनली इसका 50 आंसर हो जाएगा, विद्युत धारा की आवृत्ति का वैल्यू 50। नेक्स्ट निकेल क्या है, तो निकेल एक लौह चुंबकीय है जो कि हम पार्ट वन की वीडियोस में भी वीवीआई बोलते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट हम क्वेश्चन ला रहे हैं, बिल्कुल आप इसको देखते जाइए, इसको बिल्कुल याद करके जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी एग्जाम में। नेक्स्ट है ब्रूस्टर का नियम क्या है, ब्रूस्टर का नियम इसमें से कौन सा सही है, तो जी हाँ ऑप्शन नंबर सी म्यू इज इक्वल टू टेन आई पी को ब्रूस्टर का नियम कहा जाता है। ताप बढ़ने के साथ साथ अर्धचालक का प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ताप अगर बढ़ाएंगे तो अर्धचालक का प्रतिरोध बिल्कुल घटेगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट है प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान तथा वर्ग माध्य मूल मान का अनुपात कितना होता है, तो प्रत्यावर्ती धारा का जो शिखर मान है वर्ग माध्य मूल का मान अनुपात जो होगा वो होगा √2, यानी कि √2 अनुपात 1 होता है, इसी को अगर बट्टा में लिखेंगे तो √2 होगा, ऑप्शन नंबर बी सही। टीवी प्रसारण के लिए किस आवृत्ति पर का प्रकाश परास होना जरूरी है, यानी कि टीवी प्रसारण के लिए कौन सा आवृत्ति का होना जरूरी है, तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज का होना जरूरी है। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बिल्कुल मेरे से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।